शेष फल ज्ञात करें। क्वेश्चन लिखिएगा 1218 गुने 1376 गुने 2979 बटा में 13 का शेषफल ज्ञात करें। चलिए बुआ, इतना का आप लोगों को शेषफल निकालना है, निकाले जल्दी निकाले दो, शेषफल ज्ञात करें। देख बुआ सिंपल है, कैसे बनाएंगे हम, क्या बताते थे, इकाई अंक ज्ञात करना होता था तो इकाई पर ध्यान देते थे, दहाई अंक ज्ञात करना होता था तो दहाई पर। यहां हमको क्या निकालना है, वो बोले शेषफल, तो केवल और केवल हम लोग क्या चीज पर ध्यान देंगे, शेष पर। तो क्या करेंगे, 13 से पहले इसमें भाग दिए, इसे 13 से भाग दिए, हम दे के दिखा दे रहे हैं, 13 × 117 48, 13 × 39 शेष क्या आ गया बुआ, 9, तो हम लोग 9 लिख देंगे, ठीक है, केवल शेष लिखेंगे। फिर गुना का चिन्ह है तो गुना, फिर यहां दीजिए 13 से भाग दीजिए, ऐसे नहीं आएगा, 1376 है, 13 × 13 कट गया 7, नहीं लगेगा 0, 6 × 13 = 65 शेष आ गया 11, तो 11। फिर आइए 2979 है बुआ, इसमें फिर भाग दीजिए 13 से, 13 × 26 कट गया 3 × 7, 13 × 26 13 × 117 शेष क्या है, 2। फिर 13 से भाग दीजिए इसमें, ठीक है। अब आइए कैसे देंगे, किसी को यहां देखिए 9 × 18 करना है, कर लीजिए, तो 9 × 18 में 13 से भाग दीजिए, क्या आएगा शेष, 13 से भाग देंगे तो 5 आया, फिर क्या बचा हुआ है, 11 बटा में 13, 11 × 5 13 से भाग दे, 13 × 52 शेष क्या बचा, 3, तो 3 हमारा आंसर। चलिए नोट कीजिएगा बुआ, इसका आंसर 3 होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 7899 × 1391 × 16 × 17 का शेष फल ज्ञात करें। चलिए शेष फल निकालिएगा इसका, सत्रह से देखिए भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, 17 × 68 68 कितना 10 देना, 2 × 17 से कितना आया शेष, 11। चलिए अपना भाग दे लीजिए, 11 आया, फिर इसमें दिए तो 14, और वो तो लगेगा नहीं तो ऐसे ही रह जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए बुआ, बहुत सिंपल सा तरीका है, इसको इससे गुना कर दीजिए, 154 हो जाएगा, 154 में 17 से भाग दीजिए, 17 × 153 शेष क्या है, 1 में 16 से गुना कीजिए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 16। जैसे ही इससे छोटा ऊपर आ गया वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए बुआ, ये नोट कीजिएगा, तब अगला क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, जल्दी कीजिए, जो नहीं बना है नोट कर लेंगे। चलिए देखते हैं अगला है 78 × 79 × 77 × 82 का शेषफल ज्ञात करें। इतना का शेषफल ज्ञात करें। चलिए बुआ बनाइएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, 22। देखिएगा बुआ एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे होगा, अब तो ऊपर वाला छोटा है और नीचे वाला क्या है, बड़ा है,
तो क्या करेंगे, इससे इसमें भाग दीजिएगा तो आ जाएगा माइनस चार शेष, इससे इसमें भाग दीजिएगा तो आ जाएगा माइनस तीन, और इससे इसमें भाग दिया तो माइनस पांच, बटा में 82, चार तिरी 12, अब 12 पचे 60, माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस। अब देखिए ये जो ऊपर वाला माइनस में आ गया, इसको प्लस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक बार इसमें से घटा लेते हैं, अगर ऊपर छोटा और नीचे क्या रहे बड़ा रहे, तो करेंगे 82 माइनस 60 बराबर कितना होगा 22 आंसर। लेकिन एक और चीज याद रखेगा, यदि वही आंसर यदि आता माइनस 82/60, मतलब ऊपर वाला ज्यादा आता और नीचे वाला कम आता, तो ऐसे भी जानते हैं कि भाग दे देंगे तो 60 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा होगा माइनस 22 बटा 60। अब देखिए इस फॉर्म में आ गया कि नहीं, ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा, यहां भी आ गया ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, तो क्या करेंगे 60 में से 22 को अब घटा देंगे 38, ठीक है। यानी कहने का यह सेंस हुआ कि अगर ऊपर का बड़ा रहे और नीचे का छोटा रहे तो दो बार घटाएंगे। देखिए 82 में से 60 गया तो 22, अब 60 में से फिर 22 जाएगा तो 38 हो गया। कब होगा ऐसा केस बउआ, जब आंसर रिजल्ट जो आए ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा, तब यह केस करेंगे, यहां से यहां तक का जो केस है उसके लिए। और नहीं तो अगर ऊपर छोटा और नीचे बड़ा रहेगा तो केवल एक बार घटा के हम लोग उत्तर दे देंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए बुआ, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। चलिए देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा विशेष नहीं है। देखिए इससे इसमें भाग दीजिए तो माइनस चार, इससे इसमें भाग दीजिए तो माइनस तीन, माइनस दो और माइनस एक, अब बट्टा में 1900, चार त्री 12, 12 दुना 24, 24 से कम 24, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, इतना बट्टा 1995। हम क्या बोले हैं कि प्लस में यदि नीचे वाला से ऊपर वाला छोटा आ गया तो वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, तो 24 आंसर। चलो नोट कर लीजिए इसको। हो गया सबका, चलिए आगे देखो। चलिए पावर वाला में देखते हैं हम लोग, पावर वाला में क्या है देखिएगा, 25 के पावर 24 बटा 24 का शेषफल ज्ञात करें, 25 के पावर 24 बटा 24 का शेषफल ज्ञात करें। देखिए बुआ हम क्या बोले थे कि भाग देते हैं जो शेष आता है उससे मतलब होता है, ठीक है। तो इस 25 में क्या करेंगे 24 से भाग देंगे, शेष क्या आएगा एक, तो एक के पावर क्या आ गया 24 बट्टा 24, एक के पावर कुछ भी होगा तो क्या आएगा एक ही आएगा, एक को कितनों बार गुणा करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा एक आएगा, ठीक है। तो ये कैसे हुआ तो वो भी समझ लीजिए, इसे 25 के पावर 24 का मतलब क्या कि 25 को 24 बार लिखिए, मतलब बारी बारी लिखते चलेंगे, और इसमें भाग कितना से देंगे बुआ 24 से, बारी बारी से भाग दीजिए, इसमें भाग दीजिएगा तो एक, फिर इसमें भाग दीजिएगा तो एक, फिर इसमें भाग दीजिएगा तो एक, एक एक करके कई बार 24 बार आएगा, एक में एक से गुना 24 बार क्या सैकड़ों बार करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा एक ही आएगा, तो एक आंसर आ जाएगा ना। तो वही चीज यहाँ आगे देखते हैं आ रहे हैं सब चलेगा, पहले इसको तो नोट कर लीजिए बारी बारी से। हो गया नोट, 30 रहेगा, 35 रहेगा, 100 आएगा, सब कीजिए। हो गया नोट कर लीजिए, मिटा दे। चलिए अगला क्वेश्चन है, 9 के पावर 8 जोड़ 1 बटा में 8 का शेषफल ज्ञात करें। चलिए यहां देखते हैं, 8 से भाग दिया 9 में, शेष क्या आया 1, 1 के पावर 8 जोड़ 1
एक जोड़ एक बराबर दो। चलिए नोट कीजिए बुआ, अगला रहेगा 9 के पावर 73/7। चलिए शेष ज्ञात कीजिए। चलिए यहां देखिए बनेगा 7 से बउआ भाग दही 9 में, कितना आ गई 2। तो 2 के पावर इससे ज्यादा ना बना लू तो इतने पर 2 लिख दे आंसर। देखिए गलत, आगे क्या करना है, कोई जरूरी नहीं कि यहां 3 आ गया था 3 आंसर, पावर हो तो ध्यान रखना है। अब इसको कितना बार गुना करेंगे जो 7 से भाग देने पर शेष आएगा यह ध्यान रखेंगे। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 में 7 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा 1 आएगा, यानी क्या बार गुना करना पड़ा 3 बार। तो जितना बार गुना करना पड़ेगा उतना से इस पावर में भाग दे दीजिए, कोई दिक्कत। अब आइए तो बउआ 3 से पावर में भाग दे तो क्या बार में 3 दूना 6 और 3 चौक 12 शेष की आते 1, जो शेष आते ना वो 2 के पावर हो जाते। 3 से इस पावर में भाग देंगे जो शेष आएगा वही इसका पावर होगा। तो 3 से भाग दीजिए क्या आएगा 3 दूना 6 1 और 3 चौक 12 शेष क्या आ गया 1 आ गया। तो 2 के पावर 1 क्या है आंसर बुआ 2। अगर मान लो कि 2 के पावर 4 बचता तो क्या था 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 होता और 16 में फिर 7 से भाग देते तो कितना आता 7 दूना 14, 2 से 7 तब के केस का, लेकिन यहां हमारा इतना ही रह जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, फिर से समझ लीजिए एक बार और बोल दे रहे हैं। सबसे पहले क्या किए हम लोग 7 से 9 में भाग दे दिए, शेष आया 2 तो 2 लिख दिए। अब 2 को कितनी बार गुना करें जिससे 7 से भाग देने पर शेष 1 आए, तो 2 को कितना बार गुना करना पड़ेगा 3 बार। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 में 7 से भाग देंगे तो शेष 1 आ जाएगा। तो 3 बार गुना करना पड़ा, तो जितना बार गुना करना पड़ेगा ना उतना से पावर में भाग दे देंगे और जो शेष बचेगा वही इसका पावर होगा, कोई दिक्कत। चलिए अब नोट कर लीजिए, अब इस पर एक और क्वेश्चन देंगे, आप लोग बनाइएगा, नोट कीजिए जल्दी बुआ। देखिएगा बुआ 3 को कितना बार गुना करें जो 16 से भाग देने पर शेष 1 है, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 में भाग दिए 16 से, 16 पचे 80, 1 आया ना, क्या बार 4 बार, तो 4 से इसमें भाग दीजिए। तो 4 चौक 16, 4 9 36, 4 7 28 शेष 1 आया, तो 3 के पावर 1 जो शेष आएगा वही इसका पावर होगा। तो 3 के पावर 1 क्या होगा 3 होगा। अगर इतना पावर आता कि 16 से ज्यादा आता कब भाग देते, क्या तो 16 से कम आ गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया बुआ 3 ही हो गया। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कुछ जीके में लिखा लेते हैं।